नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं टेस्टी नाश्ता। गैस ऑन करेंगे, पैन रखेंगे। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। पैन के अंदर हम आधा चम्मच तेल का डाल देंगे। मैंने आधा बड़ा चम्मच तेल का लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, आधी चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवैन, दो पिंच हींग, और मैंने दो प्याज लिए हैं जिसको बारीक काट लिया है, मीडियम साइज के प्याज लिए हैं मैंने। और इसे हल्का सा तेल के अंदर भून लेंगे और गैस का फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। अब मैंने एक हरी मिर्च लिए बड़े साइज की, जिसको बारीक कट कर लिया है, वो भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच, अमचूर पाउडर आधी चम्मच, गैस का फ्लेम लो करके ही मसाले डालें, जीरा पाउडर आधी चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, चिली फ्लेक्स आधी चम्मच और धनिया पाउडर आधी चम्मच। अब हम इन सभी मसालों को मिक्स कर देंगे। मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर आपको कम मसाले पसंद है तो कम डालें। दो पिंच के करीब हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। अब मैंने पांच उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज के, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसे मसाले के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। कोई गेस्ट आए तब भी आप इसे बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। एक चम्मच हम रोस्टेड कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी की जगह आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, कसूरी मेथी को भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए मैंने इसे प्लेट में फैला दिया है ठंडा होने के लिए। मैंने एक बाउल में चार चम्मच मैदा लिया है, उसके अंदर दो पिंच के करीब मैंने नमक डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैदे का हमें घोल बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। ज़्यादा घोल हमें पतला नहीं बनाना है, हल्का सा गाढ़ा घोल बनाना है और घोल के अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरह का घोल बनाना है हमें, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना पतला। अब मैंने 6 स्लाइस ब्रेड की ली है, आप कोई भी कटर से आप इसे काट सकते हैं, मैं गिलास से इसे काट रही हूँ। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे और जो ब्रेड हमारा बचा है इसे फेंके नहीं, इसका हम ब्रेड क्रम बनाएंगे। सभी ब्रेड स्लाइस हम इसी तरह कट कर तैयार कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, देखिए मैंने सभी कट कर लिए, इसका हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, अभी हमें यूज़ में आएगा। ब्रेड क्रम मैंने बना लिया है, अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। अच्छे से मसाला लगाएं, चारों ओर अच्छे से लगा दें और इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड स्लाइस रख देंगे और हल्के हाथ से दबा देंगे। देखिए इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए एक ब्रेड स्लाइस हमारी तैयार हो गई है, दूसरी भी हमारी तैयार हो गई है, सभी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे, बस हल्का सा दबा देंगे और इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड, मैंने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तेल मैंने गरम करना रख दिया है। अब हम एक लेंगे तैयार किया हुआ ब्रेड, उसे मैदे में इस तरह लपेट लेंगे, मैदे के घोल में, और इस तरह ब्रेड क्रम में लगा लेंगे। अच्छे से लपेटना है ब्रेड क्रम। जो साइड बची थी फ्रेंड, उसका मैंने ब्रेड क्रम बना लिया है। सभी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। दूसरा भी हम इसी तरह मैदे के घोल में लपेट लेंगे और ब्रेड क्रम लगा लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाएं। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, बाहर से कुरकुरा और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है। देखिए मैंने सभी तैयार कर लिए हैं। तेल भी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। हमें ज़्यादा तेज़ गर्म तेल में इसे नहीं फ्राई करना है और ना ही ज़्यादा ठंडे तेल में इसे फ्राई करना है। तेल मीडियम गर्म हो। देखिए इस तरह से एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड। इसे आप बच्चों के टिफिन में, सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय में, जब जी चाहे बना सकते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं दोनों ओर से और काफ़ी अच्छे से फूल भी गई है हमारी टिक्की जो है। कितनी सुंदर बनी है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए ये भी फ्राई हो गई है, इसे भी निकाल लेंगे और इसी तरह हम और फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, हाई ना करें। हाई फ्लेम पे अगर फ्राई करेंगे तो फ्रेंड ये जल जाएंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। ये नाश्ता आप एक बार बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो बार बार बनाकर खाएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है। और ये नाश्ता आप कोई गेस्ट आए तब भी बनाकर उन्हें खिला सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सभी फ्राई कर लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस नाश्ते को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप धनिया की चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, जैसे चाहे खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।